देखो क्वेश्चन नंबर दो दे विच की लिखा, कहिंदा वो सब तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल हेठां लिखियां संख्यावां नूं गुणा करन ते पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब कहिंदा ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, आ सारियां रख लो, मतलब ये पूर्ण क्यूब इन्हां दे नहीं बनदे, पर वो छोटी तो छोटी रकम लभो जिहदे नाल इहदी गुणा करिए ते ये पूर्ण घन बन जाए। आपां की करना, सेम उही तरीका अपनाउणा जिहड़ा पहले क्वेश्चन दे विच अपनाउंदे आपां, इहदे बनाउणे फैक्टर, जिहड़ा अक्षर घट गया उहदे नाल उहनूं नाल पा देना, ठीक है। पहला देखो 243 मैं तुहानूं करके दिखाउणा, सेम 243 इदां लिखना, ठीक है। तो आपां की करना, इहनूं डिवाइड गुणा करना, डिवाइड करने शुरू करने, 2, 3, 5, 7, 11 मैं देखो रकम लिखी है 243, फैक्टर बनाउण लगे 2, 3, 5, 7, 11 आप मल्टीप्लाई करते उस तो बाद 13 है, ठीक है। 2 नाल होना नहीं क्योंकि पिछले की है 3, 2 नाल डिवाइड नहीं होंगे, किन्ना होना 3 ना, ठीक है, 3 ना करो। देखो चौपा 24 है ना, पहला 2, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, ठीक है, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3, 8, 24 किन्ने का आया 8 है ना, 8 लिखो, तो 3, 1, 3 फिर 3 ना करो तो 27 आना, 81 जो तुम 3 डिवाइड करोगे 3, 2, 6 2 आ गया, उपरों आ गया 1, इतने माइनस की 37 21 3 आया 27 फिर 3 ना करो तो 9 तो आता 27 है ना, 3 ना करो 3, 3, 9 फिर 3 ना करो 1, ठीक है, पता लगा। हुण आप देखो ये कहिंदा है पूर्ण घन तो नहीं है, आप लिखांगे दिस इंपलाइज 243 दे गुणन खंड इज इक्वल टू किन्ने आ 3 × 3 × 3 आए आ जोड़ा बनया, 3 × 3 का बन गया जोड़ा, ठीक है। उस तो बाद 3 × 3 हुण इत्थे नहीं बनया है ना, जे इत्थे 3 × 3 इदा 3 आ जाते, ये भी 3 आ जाते तो पूर्ण घन होना सी, मैं पिछले क्वेश्चन च तुहानूं दस्सिया पहले क्वेश्चन च है ना, पर इत्थे आया नहीं। पर जे आपां इत्थे ला दईए 3 तो फिर की हो जाना पूर्ण घन, ठीक है, समझ लगी। जे मान लो इतने मैं नाल ला दा ये 3, ठीक है, इस तरह तो फिर 1, 1, 2, 1, 3 जोड़ा ये भी 3 का जोड़ा बन जाना ना, बन जाना ना। आही रकम तुसी लाउणी है कि ये मैं गुणा कर दूंगी तो ए जा कर दूंगा तो ये जड़ी रकम आ पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। अब लगता देयर फोर जड़ी रकम घट आई है, ठीक है, इदा ही मतलब 1, 3 होर होना चाहिए सी, ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 3 ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 243 ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 243 ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਕੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ तो वो जोड़ा बना देना अपने को, भावें पेंसिल नाल लिख भी सकते, तुम पेंसिल नाल 3 लिख दो, उन्हें राउंड कर दो तो थले लिख दो 3 नाल गुणा करन ते पूर्ण घन बन जाएगा, ओके, समझ लगी। उन्हें अब नोट कर लेना, मैं पहले उपरों दस दिना, इतने होल्ड कर लो, पॉज कर लो वीडियो, नोट कर लेना, इधरों नीचे नोट कर लेना, ठीक है। उस तो बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा 256 देखो क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पा गया सेकंड पार्ट 256, ठीक है, सेम करना तो 256 में इस तरह लिख लेना, 256 लिख लिया, करना डिवाइड करी जा 2 × 3, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट 2, 3, 5, 7 उस तो बाद 11 तो उस तो बाद 13, ठीक है। इन्हां नाल ही आपां डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है, पहला 2 ना हो जाना क्योंकि आ 6 जिहड़ा 2 दे टेबल च आ जाता, लास्ट वाली रकम जो 2 दे टेबल च आउंदी है ना तो फिर 2 ना डिवाइड हो जाता, 2 ना डिवाइड करोगे 256 नूं ते किन्ना आना, देखो आपां 256 नूं 2 ना डिवाइड किया, 2 1 2 उपरों 5 आया, 2 2 4
माइनस वन आया, उपरों उतार छे अठ दुनी सोलह कि आया 128। फिर दो ना करो, अब बारह किन्ने दे होंदा दो ते छे, छे दुनिया बारह, अठ किन्ने दे होंदा चार दुनी अठ, फिर दो ते करो तीन दुनी छे, दो दुनी चार, फिर दो ते करो सोलह दुना बत्ती, ठीक है, फिर दो ते करो अठ दुनी सोलह, ठीक है, फिर दो ते करो चार दुनी अठ, फिर दो ते करो दो दुनी चार, फिर दो ते करो एक, ठीक है, पता लग गया। इस तरह ये फैक्टर बनने हैं, देखो 256 रहे आ फैक्टर इदा बन जाने तुहाडे सारे। ओके हुण इहनू लिख लो किहड़े किहड़े फैक्टर आए पहले, इत्थे मैं तुहानू लिख देना देयर फोर दिस इंप्लाइज 256 दे गुणनखंड बराबर किन्ने दो आया, देखो तुहाडे कोल 1 2 3, ठीक है, आ मैं तुसीं लाइनां नहीं मारनी, मैं तुहानू दस्सन दिया पहलां ते आ जोड़ा बन गया, ठीक है, इहनू लिखो 2 2 2 2, ठीक है, फिर उस तो बाद केड़ा जोड़ा बनया, आ जोड़ा बनया 2 2 2 2 2, ठीक है, आ जोड़ा बन गया, आ भी 3 3 का बनया, तो आ रास्ट से की रह गए तुहाडे कोल एक तो दो कले ना, दो गुणा दो एक कले रह गए, पर जे इत्थे एक दो होर हुंदा तो पूरन घन बन जाना ही, क्योंकि तिने तिने जोड़े बने ही, है ना, जे एक तीन होर आ जाता इदा ही, तो एक बार दो होर आ जाता तो तीन 1 2 3 ये भी बन जाने 3, है ना, तो फिर जो 3 बन जाने से पूरन घन होना सी, इतने की होंदा, तो मैं उदा देता तुहानू आ नोट नहीं करना, ठीक है, आ एक्सट्रा मैं दसन दिया, जो मान लो इतने 2 होंदा तो यह पूरा बन जाना से पूरन घन हो जाना सी, हुण है नहीं, तुसीं इत्थे तक ही लिखना, आ मैं तुहानू समझाउण दे लई दस्सिया, इहदा मतलब 2 जे होंदा 2 नाल गुणा होवे तो यह पूरन घन बन जाना, इसलिए लिखो इस नाल, इसलिए 2 नाल गुणा करन ते 256 पूरन घन बन जाएगा। ओके सब तो पहला इनू नोट कर लेना, क्वेश्चन ये हैगा या पहला 256 दे फैक्टर नोट कर लो, ठीक है, सेकंड पार्ट है दूजे क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेकंड का, ठीक है, होल्ड करके फिर इतों नीचे नोट कर लेना, बार बार मैं दसन दिया, हाँ मैं तुम्हें एक्सट्रा ला के दसिया, इनू नोट नहीं करना। ओके तो ये भी इस क्वेश्चन भी तुम बाकी जड़े पार्ट आ रोकया, ठीक है, ये बाकी पार्ट जड़े वो आप करने के 72 675 100, ठीक है, ये सपाट तुसी आप करने हैं, तो मैनू अपनी रफ कापियां ते करके उदियां फोटोज़ मेरे नंबर ते सेंड करनियां, मैं तुहानू चैक करके दस दूंगा, फिर उत्थे फिर कापियां ते नोट कर लेना, तो अगली कुछ एक्सरसाइज वीडियो च आपां करांगे तीसरा ते चौथा सम, फिर अपनी अभ्यास पूरी हो जाएगी। ओके।